मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा मामले में कर्नाटक के सीएम एस सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि उन्हें पद से नहीं हटाएंगे। पार्टी का मानना है कि यह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर ही जवाब दिया जाएगा। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने विरोधियों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडलों का ही सहारा लिया है। कर्नाटक को लेकर हुई अनौपचारिक बैठकों में पूरे मामले पर गौर करते हुए समय हाल ही में दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत हुई। पार्टी में यह राय सामने आई है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। सिद्धरमैया ने मूडा मामले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए हैं। आई थिंक इट इज ऑल ए पोलिटिकल ड्रामा विच आर ट्राइंग टू डू। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ केसेस अगेंस्ट वेरियस सेंट्रल मिनिस्टर एंड अदर लीडर्स ऑफ द बीजेपी आइदर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। Have all of them resigned? If that is the case, there is nothing, there is no need of CM resigning. The entire party from the Delhi to the village stands with him. Being a party president, I am telling you, there is no question of CM resigning.